गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आए हैं। कक्षा 10, जो कक्षा 10 था साइंस, पार्ट नंबर जो 6 था रासायनिक अभिक्रिया उसके प्रकार। तो हमने कल जो वीडियो बनाया था रासायनिक अभिक्रियाओं पर, उसके बारे में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, समझ में आया होगा। अब आज हम जो है वो, कल हमने नॉर्मली तौर पे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार उनके बारे में हमने कुछ पढ़ा, नॉर्मली जानकारी हमने ली थी। आज हम उसी का कुछ विस्तृत, हम उनको विस्तार से पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली जो अभिक्रिया हमने बताई थी वो थी संयुग्मन अभिक्रिया, संयुग्मन या जिसको हम संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। अभी बात समझ में, संयोजन यानी जुड़ना, संयोजन यानी जुड़ना, यानी परिभाषा सीधी सीधी आ जाती है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ करके, संयोग करके एक ही उत्पाद बनाते हैं। दो या दो से ज्यादा अभिकारकों के उत्पाद कितना होगा, एक, उसको हम क्या कहेंगे, संयुग्मन या संयोजन अभिक्रिया। इसमें अभिकारकों के मध्य क्या होता है, नए नए बंधों का निर्माण होता है। जैसे इस नॉर्मली हम उदाहरण दें, ए प्लस बी इक्वल टू क्या कहलाएगा, ए बी, दो अभिकारक एक उत्पाद, दो अभिकारक एक उत्पाद। जैसे सी प्लस ओ टू इक्वल टू सी ओ टू, इसी के अलावा एम जी प्लस ओ टू 2MgO, है ना। तो ये अभिक्रिया हो गई अभिकारकों को साधारण तय अभिक्रिया में। अभिकारकों का साधारणतः क्या होता है, योग होता है, जुड़ते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया को हम योगशील अभिक्रिया भी कह सकते हैं या योगात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। योग हो रहा है तो संयुग्मन, संयोजन, योगशील, योगात्मक, ये अभिक्रियाएं इनकी एक ही है। मतलब सबका, चारों अभिक्रिया नाम अलग अलग है, मतलब एक ही है। तो ये होगी सीधी सी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से ज्यादा, ये क्या है, अभिकारक, क्या है, अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारकों का योग हो और एक उत्पाद का निर्माण करे, उत्पाद इतना हो एक, तो उसे क्या कहेंगे, संयुग्मन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया या योगशील अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। समझ गए, अगली बात समझ में। यह हो गई अपनी पहली अभिक्रिया उदाहरण सहित परिभाषा आ गई है। नेक्स्ट जो दूसरी है वो है, इसमें किताब में, अपने किताब में दे रखिए, विस्थापन अभिक्रिया। वैसे होनी क्या चाहिए, हम पढ़ते हैं अपघटनीय अभिक्रिया, क्या पढ़ते हैं, अपघटनीय अभिक्रिया, जिसको हम वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया है, अपघटनीय अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। अब ये जो हमने पहले अभिक्रिया जो पढ़ी थी संयोजन, उसकी ठीक विपरीत मानी जाती है, उल्टी मानी जाती है। उसमें क्या है, दो अभिकार के आपस में जुड़ करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसमें एक अभिकारक क्या करता है, टूट करके, एक जटिल अभिकारक होता है वो टूट करके दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है, टूट जाता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अपघटित होकर के, अभिकारक अपघटित होकर के दो या दो से अधिक सरल उत्पाद बनाए, उसको अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। उसमें अभिकारकों के मध्य बंध बन रहे थे, इसमें अभिकारकों के मध्य बंध क्या होंगे, टूटेंगे, टूटते हैं और छोटे छोटे अणुओं का निर्माण करते हैं। इसमें अभिकारक बड़े अणु अणुभार वाले होते हैं और उत्पाद होते हैं वो कम छोटे अणुभार। जैसे उसमें हमने सीखा था, इसमें उल्टा हो जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, टूट गया। ये एक अभिकारक था, एक क्या था, अभिकारक, एक अभिकारक था, उसका वियोजन हुआ और उसने क्या बनाया, दो या दो से ज्यादा उत्पाद बना लिए। इन पदार्थों में अपघटनीय अभिक्रियाओं के लिए क्या होना चाहिए, ताप, विद्युत, इसके अलावा ऊष्मा, ताप, विद्युत आदि कारक उत्तरदायी होते हैं। तो उनके आधार पर,
उनके आधार पर जो ये अपघटनीय अभिक्रिया होती है वो तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, यानी विद्युत अगर किसी पदार्थ में हम विद्युत प्रवाहित करें तो उस विद्युत के कारण वो क्या हो जाए, दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में क्या हो जाए, टूट जाए, तो उसे हम कहेंगे विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। इस प्रकार की अपघटन अभिक्रिया में यौगिक की गलित अवस्था या द्रव अवस्था में, यौगिक गलित अवस्था हो, गल रही हो, द्रव या द्रव अवस्था में हो तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। जैसे H2O इसमें क्या प्रवाहित की जाए, विद्युत प्रवाहित की जाए, तो वो किसमें टूट जाता है, H2+O2 के अंदर, H2+O2 के अंदर आ जाता है, 2H2 ये इसको संतुलित हमने कर दिया। ये लिक्विड अवस्था में था, ये दोनों गैसीय अवस्था में आ जाती है। इसमें क्या होता है, जल का विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती है। जल का विद्युत अपघटन हमने किया तो क्या बनी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनी। इसी प्रकार हमने साधारण नमक जो है उसका भी क्या किया, विद्युत अपघटन किया, विद्युत प्रवाहित की, तो वो किस में टूट जाएगा, Na+Cl2, इसको हम संतुलित कर देते हैं तो ये भी विद्युत के कारण क्या हो गया, टूट गया, किसमें टूट गया, Na और Cl के अंदर। तो विद्युत अपघटन जब होता है तो इसमें एक तो जब ये अलग अलग होते हैं तो एक तो एनोड और एक कैथोड, दो वो होती हैं, छड़ें होती हैं, तो इनमें अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं और ये आयनिक प्रकृति के होते हैं, आयनिक मतलब प्लस और माइनस वाले प्रवृत्ति के होते हैं। तो एक प्रकार तो ये हो गया विद्युत अपघटन का, विद्युत अपघटन यानी गलित अवस्था में किसी पदार्थ में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो सरल उत्पादों में टूट जाता है या आयनों में टूट जाता है, तो इसे कहते हैं हम विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। ये तो हो गई एक नंबर, ये इसी का प्रकार है, अपघटनीय अभिक्रिया का ही प्रकार है। दूसरा जो है, दूसरा जो इसका प्रकार है वो है ऊष्मीय अपघटनीय अभिक्रिया, ऊष्मीय अपघटनीय अभिक्रिया। इस प्रकार की अपघटनीय अभिक्रिया यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक को ऊष्मा देते हैं, यौगिक को ऊष्मा या गर्म किया जाता है तो वो छोटे अणुओं में क्या हो जाता है, टूट जाता है। जैसे CaCO3 इसको क्या किया जाए, गर्म किया जाए, क्या किया जाए, गर्म करने पर ये किसमें टूट जाता है, CaO+CO2 कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर टूट जाता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, गर्म किया, गर्म करने से क्या मिली, इसको ऊष्मा मिली, गर्म करने से क्या मिली, ऊष्मा। तो ऐसे यौगिक जिसको गर्म करने या ऊष्मा देने से वो सरल अणुओं में टूट जाता है तो उसको ऊष्मीय अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को कहां तक गर्म करें, 473 केल्विन टेम्परेचर तक गर्म करें तो वो अपघटित होकर के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो इस प्रकार ये दूसरा प्रकार हो गया। अब नेक्स्ट जो है अपना तीसरा, तीसरा में क्या होगा, तापी या प्रकाशीय, सॉरी तापी तो आ गई, इसको ऊष्मीय तापी भी कह सकते हैं। अब तीसरा है प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया, प्रकाश के कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण इस प्रकार की अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है, प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करके जो यौगिक होता है वो प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करके अणुओं में टूट जाता है और इन अभिक्रियाओं में प्रकाश की उपस्थिति के कारण क्या होता है, अपघटन की अभिक्रिया होती है प्रकाश की उपस्थिति के कारण होगी। जैसे HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो ये किसमें टूट जाएगा, H2+Br2 के अंदर, H2 और Br2 के अंदर ये टूट जाएगा, समझ गए। तो ये किसके कारण टूटा, प्रकाश के कारण, प्रकाश की उपस्थिति, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को प्रकाश की उपस्थिति में रख दें तो ये प्रकाश से ऊष्मा प्राप्त करके किसमें टूट जाएगा, हाइड्रोजन और ब्रोमाइड के अंदर। तो ये क्या हुआ कि जब किसी यौगिक, कोई यौगिक प्रकाश से ऊष्मा प्राप्त करके सरल अणुओं में टूट जाता है तो उसको प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से ये अपघटनीय विघटन अभिक्रिया के तीन प्रकार हो गए। अरे इसमें एक हो गया विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, एक तापीय ऊष्मीय अपघटनीय अभिक्रिया और एक हो गया ये प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया। इस प्रकार से हमारी जो दो अभिक्रियाएं हैं वो कंप्लीट हो गई है।
दो विक्रियाएं कौन कौन सी हो गई, संयोजन और वियोजन, दोनों एक दूसरे की विपरीत मानी जाती है, दोनों एक दूसरे की क्या मानी जाती है, विपरीत। संयोजन में अब दो या दो से ज्यादा अभिकारक होते हैं और जुड़ करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, और वियोजन में क्या होता है, एक अभिकारक होता है और वो टूट करके दो या दो से ज्यादा सरल उत्पादों का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से ये दो विक्रियाएं हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट जो तीसरी है वो है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा नंबर हमारा विस्थापन अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक में स्थित जो परमाणु अणु है वो दूसरे अभिकारक के द्वारा विस्थापित हो जाता है। कहने का मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील परमाणु या अधिक क्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके लवण से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। जैसे ये है ए बी प्लस सी, तो ये अधिक विस्थापित है, ये कम है, है ना, तो इन्होंने क्या कर दिया, बी को विस्थापित कर दिया, तो सी से क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया इसका। जैसे सी यू एस ओ फोर प्लस जेड है, सी यू एस ओ फोर प्लस जेड है। अब इसमें इनमें क्या होता है, सी यू कॉपर और जेड एन जिंक, इनमें जिंक जो है वो ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो इसको कॉपर को क्या कर देगा, अलग कर देगा और खुद सल्फेट के साथ क्रिया कर लेगा। तो जेड एन ने किसको विस्थापित कर दिया, सी यू को अलग हटा दिया, विस्थापित कर दिया। तो ये क्या हो गया कि जब अधिक इसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्वों को उसके आयन से लवण से विस्थापित कर देता है और खुद उसकी जगह आ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें कुछ तत्व है जैसे पोटेशियम है, है? इसके अलावा पोटेशियम सोडियम, इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम जिंक फेरस, मैग्नीशियम जिंक फेरस, इसके अलावा पीवी लेड जिसको हम कहते हैं, और हाइड्रोजन, इसके अलावा कॉपर, इसके अलावा एच जी जिसको हम कहते हैं मरकरी, ए जी अर्जेंटम सिल्वर और ए यू। ये कुछ पदार्थ है जो नॉर्मली ज्यादातर ये आते हैं, अपने कॉपर आता है, फेरस आता है, जिंक आता है, ये आते हैं ज्यादातर, है ना। तो इनमें जो अभिक्रियाशील यह है, ये अभिक्रियाशीलता का बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम अभिक्रियाशीलता, यानी किसकी ज्यादा होगी, इन तत्वों में ओरम की सबसे कम है और पोटेशियम की सबसे ज्यादा है, समझ गए। अगर मान लो जैसे इसकी जगह आ गया FeSO4+Cu, ये आ गया, तो अब क्या ये विस्थापित कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, Cu Fe को विस्थापित कर पाएगा, Cu कहां है, यहां पर, और Fe कहां है, यहां पर, यानी Cu से ऊपर है, समझ रहे हो, Cu Fe से ऊपर है, तो ये विस्थापित कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये Fe क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है Cu से, तो Cu विस्थापित, हाँ अगर इसकी जगह ऐसा होता Cu यहां पर होता और F यहां पर होता, अकेला होता, तो ये F इस Cu को क्या कर देता, विस्थापित कर देता और वो बना लेता FeSO4+Cu, ऐसा बन जाता। तो विस्थापन अभिक्रिया का मतलब हो गया कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके लवण से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। ये हो गई अपनी विस्थापन अभिक्रिया, समझ में। जैसे इसमें दे रखा है, एक प्रयोग दे रखा है, कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में जिंक के टुकड़े, जैसे एक हमने फ्लास्क लिया, एक फ्लास्क लिया और उसमें क्या कर दिया हमने, ये कॉपर सल्फेट है, ये क्या है, कॉपर सल्फेट है जिसका नीला रंग है, नीला रंग है, और उसमें हमने क्या डाल दिए, जिंक के टुकड़े डाल दिए, जिंक के टुकड़े डाल देंगे, तो ये जिंक किससे, सल्फेट से क्रिया कर देगी, सल्फेट का नीला रंग होता है, तो सल्फेट से क्रिया कर लेगी, कॉपर अलग हो जाएगा, दूसरा जो पात्र उसका नीला रंग विलुप्त हो जाएगा और इस Cu की जगह क्या जाएगा, जेडन रहेगा और ये जो Cu है वो अलग हो जाएगा, विस्थापित कर देगा। इस प्रकार से यह अपनी विस्थापन अभिक्रिया कंप्लीट होती है। तीन अभिक्रियाएं कंप्लीट हो गई, संयोजन वियोजन विस्थापन। अब नेक्स्ट होती है वो होती है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में कि दो बार विस्थापन होता है, तो इसमें विस्थापन होता है, एक ही तत्व का विस्थापन हुआ। अब इसमें क्या होता है, इस प्रकार के अभिक्रिया में दोनों अभिकारकों के मध्य क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, जो परमाणु अणु जो समूह होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। जैसे सीधा सीधा उदाहरण है ए बी प्लस सी बी, ये है, तो इसमें आयन क्या हो जाएंगे, ये वाले जो आयन है ये हो जाएगा ए डी, ए डी और ए डी प्लस सी डी, ये
यह आयन तो इसके साथ आ जाएगा सी के साथ, और डी वाला जो आयन है वो ए के साथ हो जाएगा। इस प्रकार से विस्थापित हो जाएगा। जैसे सीधा उदाहरण बताएं हम, सी यू एस ओ फोर प्लस एन ए ओ एच, ये है। तो ये एक आयन ये हो गया, एक आयन ये हो गया, तत्व में ये है कोपर का ये है। तो ये आयन तो चल जाएगा एन ए के साथ, और ये आयन आ जाएगा सी यू के साथ, तो क्या हो जाएगा सी यू ओ एच टू, सी यू ओ एच टू और एन ए एस ओ फोर, एन ए टू एस ओ फोर, सॉरी। तो क्या बन गया, कोपर हाइड्रोक्साइड, कोपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट बन गया। तो इस प्रकार क्या हो गया, देखो दोनों में आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसका आयन इसके साथ चला गया, इसका आयन इसके साथ आ गया। तो इस प्रकार से कॉपर सल्फेट के जो सल्फेट आयन है ना, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो हाइड्रोक्साइड आयन को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, और क्या बना देता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट का निर्माण कर लेता है। इसका एक उदाहरण है जैसे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। अब ये जो क्लोरीन आयन है और ये नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन तो किसके साथ चला जाएगा, K के साथ, और ये Cl जो है वो Ag के साथ आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, AgCl प्लस KNO3, AgCl प्लस KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड, ये निर्माण हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य क्या हो जाता है, आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। अरे समझे, ये हो गई अपनी तीसरी अभिक्रिया द्विविस्थापन, चार हो गई, चार अभिक्रिया कंप्लीट हो गई, संयोजन वियोजन विस्थापन द्विविस्थापन, है ना, चार अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट जो है अपनी अभिक्रिया मंद, मंद व तीव्र, पांचवी अभिक्रिया है वो मंद, और एक है तीव्र जो इसी के साथ चलती है, मंद व तीव्र अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम मंद अभिक्रिया देखते हैं। मंद, मंद यानी होता है धीमी, मंद यानी होता है धीमा, यानी कई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूरा होने में घंटा लग जाए, घंटे लग जाए, कई दिन लग जाए, साल लग जाए, इनको हम क्या कहते हैं, जिनको संपन्न होने में, कंप्लीट होने में काफी समय लग जाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, Fe प्लस O2 प्लस H2, जंग कैसे लगेगी लोहे पे, जब लोहा फेरस जो लोहा है वो ऑक्सीजन और जल के संपर्क में, नमी के संपर्क में आएगा, तो क्या लगेगी, Fe2O3.3H2, है ना। तो ये क्या हो गई, अब इसको संतुलित कर देते हैं तो ये जंग लगना हो गई, ये क्या हो गया, जंग लग गई। तो इसको लगने में काफी समय लगेगा, लोहे को आप खुले वातावरण में डाल देते हैं तो जंग लगती है, लेकिन समय काफी लग जाता है। इसी के अलावा जैसे अन्य उदाहरण है KCLO3, पोटेशियम क्लोरेट, इसको क्या कहेंगे, पोटेशियम क्लोरेट। जब इसको गर्म करेंगे तो काफी समय तक गर्म करते रहो, तब जाकर के ये पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन के अंदर टूटेगा, है ना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको कंप्लीट होने में काफी समय लग जाए, घंटे लग जाए, दिन लग जाए, साल लग जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, मंद अभिक्रिया, क्या कहेंगे, मंद अभिक्रिया, समझ गए। तो ये अपनी मंद अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट जो है तीव्र अभिक्रिया, जो इस मंद अभिक्रिया की ठीक विपरीत है। तीव्र अभिक्रिया किसे कहेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो अभिकारकों को मिलाने पर ही अत्यंत तेजी से क्रिया कर लेती है, यानी जिसको कंप्लीट होने में काफी कम समय लगता है, उसको हम तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। सामान्यतः ऐसी अभिक्रियाएं आयनिक अभिक्रियाएं होती है, जैसे आयनों में होने वाली, जैसे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य क्रम, तो उसको कंप्लीट होने में प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य अगर हम क्रिया करवाते हैं तो 10^-10 सेकंड से भी कम समय में वो क्रिया कंप्लीट हो जाती है। जैसे प्रबल क्षार है NOH और प्रबल अम्ल है HCl, तो क्या बना, NaCl प्लस H2, है ना। तो ये अभिक्रिया कंप्लीट होने में काफी कम समय मिलाते ही जो क्रिया है वो कंप्लीट हो जाती है, समझ गए। तो इस प्रकार से ये हमारी अभिक्रिया कंप्लीट होती है, तीव्र अभिक्रिया जिसको कम मतलब संपन्न होने में काफी कम समय हमारे को लगता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है ये हो गई मंद और तीव्र अभिक्रिया। अब नेक्स्ट है नंबर 6, उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया,
उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमण का मतलब है दोनों दिशाओं में कंप्लीट होना, दोनों दिशा, और अनुत्क्रमणीय का मतलब है केवल एक दिशा में कंप्लीट होना, है ना। तो हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया देखते हैं। पहले अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया देखो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक केवल उत्पाद बनाते हैं और उत्पाद से वापस अभिकारक नहीं बनते, अर्थात ये केवल एक ही दिशा में होती है। इनमें धीरे धीरे अभिकारकों की सांद्रता क्या होती जाती है, एक तो कम होती जाती है, और उत्पादों की सांद्रता क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। इसमें जो चिन्ह लगाया जाता है वो एक तरफ लगाया जाता है, सी प्लस ओ टू इक्वल टू सीओ, ये वाला चिन्ह लगाया जाता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। यानी ये केवल एक ही दिशा में, अर्थात इसकी परिभाषा क्या होगी, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, अभिकारकों से केवल उत्पाद बनते हैं, और अभिकारकों की सांद्रता कम होती जाती है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाती है। इसके अलावा उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या होता है, अभिक्रिया दोनों दिशाओं में कंप्लीट होती है, इससे अभिकारकों से उत्पाद बनते हैं, और उसी समय हम उत्पादों से, विशेष परिस्थिति में उत्पादों से वापस अभिकारक भी बना सकते हैं। इसमें अभिकारकों की मात्रा कभी भी शून्य नहीं होती। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ए बी प्लस ए बी इक्वल टू, इसमें ये चिन्ह लगाया जाता है सी प्लस डी, ये बन गया, तो ये नए पदार्थ बन गए उत्पाद के रूप में, तो इनसे वापस ये वाला चिन्ह इसमें दोनों दिशाओं में लगाया जाता है, समझ गए। ये वाला चिन्ह लगाते हैं जो दोनों दिशाओं में कंप्लीट होती है, जैसे एन टू प्लस एच टू है तो एन एच थ्री बनता है, अमोनिया अमोनिया बनती है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, वापस अमोनिया भी बना सकते हैं दोनों दिशाओं में। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में कंप्लीट होती है, अभिकारकों से उत्पाद बनते हैं और उत्पाद से वापस अभिकारक बना सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, समझ गए। ये हो गई हमारी कंप्लीट उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। नेक्स्ट जो है ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और आती है अपचयन अभिक्रिया, है ना, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। यानी ऑक्सीकरण नॉर्मली हम कहते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की बढ़ती हाइड्रोजन की कमी हो, उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि हो, तो उसे क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इनके अलग अलग आधार बनाए गए हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को क्या होता है, अलग अलग आधार बनाए गए हैं, जिसमें क्या है, पहला ऑक्सीजन के संयोग, ऑक्सीजन के संयोग व वियोग के आधार पर, ऑक्सीजन के संयोग व वियोग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया, यानी ऑक्सीजन का संयोग। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है, जैसे Mg plus O2 equal to क्या बना 2MgO। देखो अभिक्रिया होने से पहले उत्पाद Mg अकेला था, लेकिन बाद में क्या हो गया, Mg के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उसे क्या कहते हैं हम, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसी प्रकार जैसे हमने अभी पढ़ा था सी प्लस O2 का या एस प्लस O2 का, एस O2 बनता है ना, तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना, यानी कि ऑक्सीजन की कमी या वियोग, ऑक्सीजन की कमी या वियोग होना, उसे क्या कहेंगे अपचयन। यानी ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन निकलती है या ऑक्सीजन का वियोग होता है, उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसी को उल्टा लिख दो, MgO इक्वल टू क्या बना, Mg प्लस O, समझ गए। इसके अलावा जैसे KClO3 है उदाहरण, तो KCl प्लस O2, तो देखो KClO3 के साथ ऑक्सीजन था लेकिन बाद में नहीं है, तो क्या हो गया, ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई, तो इस प्रकार से इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है अपचयन अभिक्रिया में। दूसरा है हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन के संयोग और वियोग के आधार पर रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपचयन में क्या होता है, तो इनका उल्टा होगा, इनका क्या होगा, उल्टा होगा, इसमें संयोग हो रहा था ऑक्सीजन का, इसमें हाइड्रोजन का क्या होगा, वियोग, हाइड्रोजन का वियोग होगा, यानी हाइड्रोजन की क्या होगी, कमी, और इसमें क्या होगी, हाइड्रोजन का संयोग होगा, यानी जुड़ेगी, हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया देखो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की क्या हो, कमी हो, हाइड्रोजन निकलती है, जैसे एच टू एस प्लस ओ टू, तो क्या बना एच टू ओ प्लस एस, तो एस के साथ सल्फर के साथ हाइड्रोजन था,
लेकिन अभिक्रिया होने के बाद सल्फर अकेला रह गया, हाइड्रोजन की क्या हो गई, कमी हो गई, ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है ना, इसमें हाइड्रोजन क्या हो गया, जो सल्फर है वो ऑक्सीकृत हो गया। इसके अलावा और भी हमें जैसे CH3CH2OH, इसको हम कहते हैं एथेनॉल, क्या बना CH3CHO+H2, एथेनॉल से क्या बन गया, एथेनॉल बन गया। इसमें हाइड्रोजन कितने, 3, 2, 5, 1, 6 थे, इसमें कितने रह गए, 4 ही रह गए, 2 हाइड्रोजन की क्या होगी, कमी होगी। तो जिसमें हाइड्रोजन की कमी हो उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन का योग होता हो, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, एथीन है ना, तो इसमें क्या होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एथीन से क्या बन रहा है, एथीन, एथेन प्लस H2 और लगाते हैं इसमें साथ में, तो एथेन बनता है। तो देखो पहले हाइड्रोजन 4 ही थे लेकिन बाद में कितने हो गए, 6, तो हाइड्रोजन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। इसके अलावा जैसे H2 प्लस Cl2, तो क्या बन गया, HCl बन गया, हाइड्रोजन की Cl के साथ क्या हो रही है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। तो ऐसे अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो या वृद्धि हो उसे क्या कहेंगे हम, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। अगली बात समझ में, तीसरा जो है वो है विद्युत धनी तत्वों के संयोग वियोजन के आधार पर, संयोग वियोजन के आधार पर, यानी विद्युत धनी तत्व संयोग हो रहे हैं या वियोजन हो रहे हैं। तो जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है उसमें विद्युत धनी तत्व क्या क्या होगा, निष्कासन, विद्युत धनी तत्वों का क्या होगा, निष्कासन, और इसमें क्या होगा, संयोग, जो जोड़ होगा, समझ गए। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत धनी तत्वों का निष्कासन हो उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे Ki पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया करवा रहे हम किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो KCl+ आयोडाइड, तो विद्युत धनी तत्व था आयोडाइड, वो क्या हो गया, निष्कासित हो गया। इसमें आयोडाइड जो है, और जैसे एक H2S वाला है H2S+Cl2, तो इसमें क्या हो गया, HCl+S। अब इसमें आयोडाइड और सल्फर ये क्या है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ये विद्युत धनी तत्व है, तो इनका क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत धनी तत्वों का क्या हो, संयोग हो, उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Cl2+Mg, तो क्या बन गया, क्या बन गया, MgCl2, तो क्या हो गया, विद्युत धनी तत्व क्लोरीन के साथ क्या जुड़ रहा है, मैग्नीशियम जुड़ रहा है, तो विद्युत धनी तत्वों का क्या हो रहा है, योग हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया। इसके अलावा जो है चौथा पॉइंट है ऋण विद्युत तत्व के संयोग वियोजन के आधार पर, तो इसमें निष्कासन हो गया तो इसमें क्या होगा, संयोग होगा, और इसमें क्या होगा, निष्कासन होगा, इसमें निष्कासन होगा। जैसे यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऋण विद्युत तत्वों का क्या हो, संयोग हो, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऋण विद्युत तत्वों का क्या हो, निष्कासन हो, उसे हम क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया। जैसे उदाहरण के इसका Mg+Cl2, Mg के साथ जो क्लोरीन है वो क्या है, Mg के साथ क्या है, क्लोरीन, ऋण विद्युत तत्व, उसका क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, तो ये हो गई ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और जिसमें विद्युत ऋणी तत्व क्या होता है, निकलता है, उसको क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया। जैसे FeCl3 क्लोराइड प्लस H2, तो निष्कासित होगा, तो FeCl2+HCl, तो देखो इसमें Cl कम हो रहा है, निष्कासित हो रहा है, Cl कम हो गया, Cl की जगह Cl2 रह गया, Cl3 की जगह Cl2 रह गया, तो एक Cl कम हो गया, यानी ऋण विद्युत तत्व क्या हो गए, कम हो गए। तो इसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऋण विद्युत तत्व का निष्कासन हो रहा है उसको क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया। एक इलेक्ट्रॉन के आदान, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, त्याग, इसमें होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में, और इसमें क्या होता है, ग्रहण, यानी इसके ऑक्सीकरण, इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो तत्व या परमाणु जो अणु होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे Na+, ये क्या हो गया, Na++ इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, त्याग कर रहा है, इसलिए इसमें प्लस आ गया। इसके अलावा Fe2 है,
या क्लोरीन का है, कोई भी उदाहरण ले लीजिए जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही हो, ऐसी रासायनिक वजह से इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाता है, उसको अपशिष्ट अभिक्रिया कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है, जैसे क्लोरीन प्लस एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो क्लोरीन माइनस हो गया, समझ गए। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तभी तो माइनस आ रहा है, ये आधार पर हमको समझ सकते हैं। तो ये हो गए हमारी रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीकरण और अपचयन, है ना। नॉर्मल सी किसी परिभाषा होती है जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का संयोग हाइड्रोजन का निष्कासन हो, उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन का संयोग, तो इस पर ये पांच आधार बनाए गए हैं, पांच आधारों के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया हमारी कंप्लीट होती है। आगे समझ में, अगर आप नहीं समझ में आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और उदाहरण के द्वारा हम उनको समझा देंगे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं रस्म अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में। नेक्स्ट जो हमारी अभिक्रिया है वो है रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया जिसको हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी। इसका मतलब है कि दोनों भी गए, जो ऑक्सीकरण और जो अपचयन जो हमने अलग अलग पढ़ी है भी, वो दोनों अगर एक साथ हो जाए, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया दोनों साथ साथ हो, अर्थात एक पदार्थ का ऑक्सीकृत हो और दूसरा अपचयित हो, ऑक्सीकरण को हम उपचयन भी कह सकते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम उपचयन भी कह सकते हैं, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, है ना। यानी जब दोनों भी गए साथ साथ चले, एक पदार्थ उपचयित हो एक अपचयित हो, तो उसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ उपचयित हो दूसरा अपचयित हो, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ चलते हैं, उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, या अपोपचय अभिक्रिया भी इसको कहते हैं, अपोपचय अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। जैसे जैसे जेड एन प्लस सी यू एस ओ फोर, तो क्या बन गया, जेड एन एस ओ फोर प्लस सी यू। देखो जेड एन अकेला है, इसमें किसकी वृद्धि होगी, ऑक्सीजन की वृद्धि, तो ऑक्सीजन की वृद्धि किसमें होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब ये CuSO4 है, ये CO अकेला हो गया, यानी क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी, और कमी किसमें होती है, अपचयन में, तो क्या हो गया, ऑक्सीजन की वृद्धि भी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, एक उदाहरण के अंदर। तो ये किसका उदाहरण हो गया, ये किसका उदाहरण हो गया, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसके अलावा एक उदाहरण है Fe2O3 प्लस CO, तो क्या बन गया, Fe प्लस CO2। तो देखो इसके साथ ऑक्सीजन है लेकिन बाद में ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी होगी, तो क्या हो गया, अपचयन अभिक्रिया। CO के साथ ऑक्सीजन है लेकिन बाद में ऑक्सीजन की वृद्धि, यहाँ पर केवल O है अकेला, यहाँ पर 2 हो गया, तो O2 की क्या होगी, वृद्धि, तो वो क्या हो गया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो दोनों साथ हो गए, तो इसे बोलेंगे हम रेडॉक्स अभिक्रिया। अगर ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं चलती है साथ में, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, या अपोपचय अभिक्रिया भी कह सकते हैं। नेक्स्ट जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया, लास्ट और आखिरी उदासीनीकरण अभिक्रिया, आखिरी अभिक्रिया है अभिक्रिया के प्रकार में उदासीनीकरण, उदासीन होना। उदासीन कब होगी, जब अम्ल की क्षार से क्रिया करवाएंगे, अम्ल की क्षार से क्रिया करवाएंगे तो लवण प्लस जल बनेगा, लवण प्लस जल बनेगा, इस प्रकार की क्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे HCl प्लस NaOH, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बना, NaCl प्लस H2O। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाई जाती है तो वो अम्ल उदासीन हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को लवण तो लवण और जल बनाते हैं, तो उसे कहते हैं हम, उसे कहते हैं हम क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब क्रिया करते हैं, प्रबल अम्ल ये प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है और ये प्रबल क्षार है, तो अभिक्रिया करते हैं तो जो लवण बनता है उसकी पीएच क्या होती है, 7, इसकी पीएच 7 होती है। और जब प्रबल अम्ल अभिक्रिया करता है किससे, दुर्बल क्षार से, तो उसकी पीएच जो लवण बनता है उसकी 7 से कम होती है, 7 से कम जो लवण बनता है उसकी पीएच, यानी वो अम्लीय प्रकृति का होता है, लवण जो होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। लेकिन जब दुर्बल अम्ल है वो प्रबल क्षार से क्रिया करता है,
तो उसकी जो पीएच होती है लवण की वो 7 से अधिक होती है, 7 से अधिक होती है, तो वो जो लवण बनता है वो कैसी प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है, समझ गए? तो इस प्रकार से हमारी ये उदासीन चरण अभिक्रिया कंप्लीट होती है। आगे समझ में? इस प्रकार से हमारी ये उदासीन चरण अभिक्रिया कंप्लीट होती है और अभिक्रियाओं के प्रकार का जो हमारा टॉपिक था वो भी कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हम अलग से वीडियो बना करके आपको समझाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा उत्प्रेरक। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक जिसको हम कहते हैं कैटेलिस्ट, कैटेलिस्ट बोलते हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट कल की वीडियो में हम आपको बताएंगे। उत्प्रेरक क्या होते हैं, किसे कहते हैं उत्प्रेरक, क्रिया के आधार पर, अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, और उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता बढ़ाने वाले पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, उत्प्रेरक गुण, उत्प्रेरक की विशेषताएं वगैरह क्या होती है, तो हम कल की वीडियो में इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, पार्ट को कंप्लीट कर देंगे। उससे पहले आप हमारी वीडियो को समझिए, देखिए, और कोई कमी लगी हो तो हमें जरूर बताइए, आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा करें ताकि लॉकडाउन में ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंचे। और वीडियो पर नए हैं तो हमारे जो चैनल है भारतीय एजुकेशन उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो ज्यादा से ज्यादा आपको मिल सके।